ब्राह्मण समाज के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले बीजेपी नेता प्रीतम लोधी के खिलाफ कार्यवाही के लिए ब्राह्मण समाज के लोग शिवपुरी एसपी ऑफिस पहुंचे। वहीं भाजपा नेता और पिछोर के विधायक केपी सिंह से मात खा चुके प्रीतम लोधी ने बीते रोज आयोजित एक कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज को लेकर जो टिप्पणी की थी उसे लेकर ब्राह्मण समाज के लोग लामबंद हो गए। भाजपा नेता प्रीतम लोधी का विरोध करते हुए उन पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर एसपी राजेश चंदेल को ज्ञापन सौंप कर कार्यवाही की मांग की है। भाजपा के प्रीतम लोधी ने बीते रोज पिछोर में आयोजित एक कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज और कथावाचकों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों में आक्रोश है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर समाज के लोग अब भाजपा नेता प्रीतम लोधी को भाजपा से निष्कासित करने और उस पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। ब्राह्मण समाज के कुछ लोग आपके पास आए, ब्राह्मण समाज के विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसमें इनका बोलना है कि एक प्रीतम लोधी जी कल एक वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की जयंती के कार्यक्रम में कल खड़े में उन्होंने कुछ ब्राह्मण समाज के विरुद्ध हमारे आधे टिप्पणियाँ की और भाषण दिया, उसको लेकर इनमें रोष है। और उसमें इनको बताया गया है कि इस संबंध में हमने थाना रनौत जहाँ पर घटना हुई थी वहाँ प्रकरण एक रजिस्टर्ड किया है 153A में और 505 में, और प्रकरण पंजीबद्ध हो गया है। और अगर यहाँ से किसी का कुछ कहना है, उनको कुछ स्टेटमेंट देना है, तो उसको भी वहाँ भेज देंगे और उनको बता दिया जाएगा कि प्रकरण पंजीबद्ध हो गया। उनका कुछ धाराओं के लिए कहना है तो उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या ऐसा हो नहीं सकता सर कि यहाँ पर जो उनकी FIR की मांग है वो यहाँ भी हो जाए? सवाल तो हमारे ज़िले का ही घटनास्थल है और वहीं पर बकायदा FIR हो गई है, वही घटनाक्रम है, उसी घटना के वीडियो के बारे में चीज़ें जो लोग वहाँ थे वहीं पर उनके डायरेक्ट हुआ, तो वो सामान्यता वहीं पर FIR होती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।